नाजरीन फुटवार डॉट कॉम की तरफ अस्सलाम वालेकुम जी। असा इस वक्त कलर सजदा फेस्टिवल जड़ा होना है पिया ग्राउंड जिथे मौजूद हैं जी। तो साढ़े सामने परवेज विकी होरे जेडे कलर सजदा में कराटे सेंटर भी चलाने पे जी। तो माशाला इन्होंने बड़ी काविशाएं गेमों में जी अपने पूरे पठवार विच गेमां की एस्टैब्लिश करने वास्ते इन्होंने बहुत सारे इन्होंने खिदमात दी। तो इन्होंने को पूछने जी कि मजीद कह क्या होना चाहिए गेमों वास्ते खास करी दे। अस्सलाम वालेकुम जी, माड़ा नाम परवेज इकबाल विकी आ और मैं कराटे इंटरनेशनल खिलाड़ी हाँ। अज जी खेल वाली तकरीब ना इफ्तिताह आया वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वज़ीर आला खादमे आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने बहुत बड़ी काबशी कि उन्होंने नर्सरी लैवल उपरों यूनियन काउंसल फिर इंटर यूनियन काउंसल फिर तहसील फिर डिस्ट्रिक्ट फिर डिवीजन फिर पंजाब लेवल उपर खेलों ने इनकाद किया और जिस नाल तकरीबन पाकिस्तान खेल जितनी भी खेलों सारिया असं खेलने और सारिया इसने शामिल हाँ जिसने मुख्तलिफ खिलाड़ी अपने मुख्तलिफ अंदाज नाल अपने जोर दिखा सन और अपनी जड़िया भी अपने रहनमाइया ही अपन जी ताकत ना मुजाहरा कर सन और हुकूमत पंजाब ना बड़ा आला किरदार आके वो खेलाना इनकाद कराने पे और तहसील कलर सेदा में असने तहसील कलर सेदा में मुख्तलिफ खेलों ने मुख्तलिफ खिलाड़ी है जिस तरह कराटे जोडो हाकी फुटबॉल ने इंटरनेशनल खिलाड़ी पाकिस्तान पाए जाने और अज ने तकरीब ने जी मेहमान खसूसी सी सारा नासर जिसना तलक तहसील कलर सेदा नाला असा से बड़े एजाज नहीं गाली कि पाकिस्तान ने तारीख ने पहली वूमेन लड़की है जिस किसी भी खेल में पाकिस्तान ने तरफों गोल्ड मैडल हासिल किया और मैं स्पेशली असने जो ए सी कलर सैदान तस्लीम अख्तर साहब है उन्होंने शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने आज ने तकरीब की इतना शानदार और रौनक तरीके मुनक़द कराया और जिसने मुख्तलिफ तहसील कलर सैदान 11 यूनियन कौंसल ने खिलाड़ियों पार्टिसपेट किया और अज उसने खेलों ने इफ्तिताह आया और 2 तरीक उन्होंने खेलों ने इनामात तकसीम मौसम और अल्लाह ताला करे कि आ खेलों जड़िया खैर व खैरियत अंजाम एक गलती बहुत बहुत मेहरबानी जी। बहुत अच्छा आया।